हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल जो है वो बारिश के समय में काम करता है कि नहीं। ये सारा कुछ हम दोस्तों लाइव आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। अगर दोस्तों हमारा पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल काम करता है तो हमें कितना वोल्टेज आउटपुट सप्लाई देता है और कितना एम्पीयर आउटपुट सप्लाई ये हमें देता है, ये हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाले हैं। दोस्तों, हम यूज़ करते हैं 105 वाट लुमिनस पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल और इसी का हम लाइव टेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल ही मात्र एक ऐसा सोलर पैनल है जो कि दोस्तों इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में दोस्तों सबसे ज़्यादा बिकने वाला ये सोलर पैनल होता है। इसकी प्राइस जो है वो कम होती है, इसी वजह से दोस्तों ये ज़्यादा बिकता है। हालांकि दोस्तों इसकी इफिशियंसी जो है वो कम होती है अगर दोस्तों हम कंपेयर करें मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल से। तो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल में और पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल में हम यहाँ पर कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बस हम इतना जानेंगे कि क्या बारिश के समय में हमें पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल जो है वो कितना वोल्टेज और एम्पीयर आउटपुट सप्लाई देता है। मेरे पास जो है दोस्तों 105 वाट पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, वो हमें अगर धूप अच्छा रहता है तो हमें दोस्तों 22 वोल्ट आउटपुट सप्लाई देता है और 4 एम्पीयर आउटपुट सप्लाई देता है। लेकिन दोस्तों बारिश हो रहा है हमारे यहाँ, तो हमने सोचा कि चलो लाइव एक टेस्ट भी कर लेते हैं और आप लोग के सामने भी रख देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, लाइव हम आपको दिखाते हैं कि कितना हमें एम्पीयर मिलता है और कितना हमें वोल्टेज मिलता है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने छत पे अपने सोलर के पैनल के पास और यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों बहुत ही तेज तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन दोस्तों फिर भी बारिश जो है हल्की फुल्की हो रही है। आपको यहाँ पर क्लियर सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। मेरे पास ऑलरेडी एक और सोलर पैनल है, ये आपको छोटा वाला जो सोलर पैनल दिखाई दे रहा है ये करीब 20 साल पुराना सोलर पैनल है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, मैं सोलर पैनल जो इस्तेमाल करता हूँ अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही पैनल है दोस्तों, लुमिनस का 105 वाट। आप यहां पर देख सकते हो लुमिनस का ब्रांडिंग यहां पर आपको दिख रहा होगा, लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी दिखा देना चाहता हूं कि ये कितने एम्पियर हमें आउटपुट सप्लाई देता है और कितने वोल्टेज आउटपुट सप्लाई दे रहा है। पहले हम इसका थ्योरेटिकली देख ले रहे हैं, इसके पीछे जो स्टिकर्स लगा हुआ है इस पर हमें क्लियर सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों 17.89 वोल्टेज हमें दिखाई दे रहा था और यहाँ पर एम्पियर की बात करें दोस्तों तो ये हमें 5.80 एम्पियर हमें दिखाई दे रहा था आउटपुट सप्लाई। लेकिन दोस्तों हम इसका प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि हम कितने एम्पियर से ये हमें आउटपुट सप्लाई दे रहा है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी बैटरी के पास और देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा एक साइड का इन्वर्टर ट्यूबलर बैटरी और यहाँ पर ये जो वायर आप देख रहे हो ये हमारे पहले कंट्रोलर में जाके कनेक्ट हुआ है और कंट्रोलर का वायर जो है वो बैटरी से कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों, ये हमने कंट्रोलर के पास दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे एरो एक दिखाई दे रहा होगा और ब्लिंक कर रहा होगा, एक सोलर पैनल का एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, बगल में एक एरो दिखाई दे रहा होगा जो कि ब्लिंक कर रहा है। दैट मीन्स कि ये बैटरी जो है अभी चार्ज हो रहा है और ये हमारा सोलर पैनल जो है इसको चार्ज कर रहा है, ठीक है। और ये 12 वोल्टेज अभी दिखाई दे रहा था, 12.1 वोल्टेज अभी हो रहा है, मतलब कि दोस्तों सोलर पैनल जो है वो वर्क कर रहा है। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने एम्पियर मीटर के पास। तो ये रहा दोस्तों हमारा एम्पियर मीटर जो कि हमें बताता है कि हमें कितना वोल्टेज कितना एम्पियर आउटपुट सप्लाई दे रहा है। तो अप्रोक्स दोस्तों ये एक एम्पियर के आसपास में ये हमें आउटपुट सप्लाई दे रहा है, एक एम्पियर से थोड़ा सा कम है लेकिन दोस्तों हम एक एम्पियर मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर भी से आप देख सकते हो फिर से कि ये सोलर कंट्रोलर में हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा बैटरी जो है वो चार्ज हो रहा है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि हमें वोल्टेज कितना हमें दिखाई दे रहा है। वोल्टेज देखने के लिए दोस्तों हमने एक लिया हुआ है मल्टीमीटर, अब इसी के माध्यम से हमें टेस्ट करना होगा कि हमें कितना आउटपुट सप्लाई मिल रहा है, कितना वोल्टेज। तो ये रहा हमारा सोलर का वायर, हमने कंट्रोलर से हटा दिया हुआ है, अब इसको हम कनेक्ट करेंगे हम अपने मल्टीमीटर के पॉजिटिव और निगेटिव वायर के साथ, तो ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों हम अपने मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं अपने, यहाँ पर देख सकते हो डीसी वोल्टेज से हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब ये हमें दोस्तों डीसी कितना वोल्टेज आ रहा है ये हमें बताएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो फिर से दोस्तों हम मीटर के पास आ गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 17 वोल्टेज जो है ये हमें दिखाई दे रहा है, 17 वोल्ट ये करंट जो है वो हमें आउटपुट सप्लाई मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो हमने निगेटिव वाला निगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है और ये पॉजिटिव वाला हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है और ये मीटर हमें डायरेक्टली शो कर रहा है कि हमें 17 वोल्ट आउटपुट सप्लाई मिल रहा है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 17 वोल्ट ये हमें आउटपुट सप्लाई दे रहा है, मतलब कि दोस्तों ये हमें वोल्टेज तो एकदम बराबर दे रहा है, 17 वोल्ट ही दे रहा है, लेकिन हम करंट की बात करें तो करंट हमें ये मात्र 1 एम्पियर दे रहा था। तो करंट थोड़ा सा डाउन है लेकिन दोस्तों अभी भी ये 17 वोल्ट आउटपुट सप्लाई दे रहा है,
यहाँ पर अभी भी दोस्तों ये 12 वोल्ट हमारा बैटरी जो है चार्ज है। हमारे घर में ऑलरेडी बहुत सारे अभी भी लोड चल रहे हैं, जैसे लाइट्स वगैरह चल रहा है, एक रूम में टीवी भी चल रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैंने आपको क्लियर सब कुछ समझा दिया कि ये बारिश के समय में दोस्तों ये हमें 22 वोल्ट हमें आउटपुट सप्लाई तो नहीं देता है, लेकिन दोस्तों 17 वोल्ट ये हमें आउटपुट सप्लाई दे रहा था। वही दोस्तों हम करंट की बात करें एम्पियर में, तो ये हमें लगभग 1 एम्पियर आउटपुट सप्लाई दे रहा था, जबकि दोस्तों इसको बहुत तेज धूप मिलता है तो ये हमें मैक्सिमम 4 एम्पियर आउटपुट सप्लाई देता है, लेकिन बारिश के समय में ये हमें मात्र 1 एम्पियर के आसपास में आउटपुट सप्लाई दे रहा था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।